आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी परसों हम लोगों ने ऐलान करा 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बता दो, मिलनी चाहिए? ये सारे पार्टी वाले मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। अरे केजरीवाल अपने दिल्ली वालों पे पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल पैसे लूट के अपने घर नहीं ले जा रहा, केजरीवाल अपने दिल्ली वालों पे पैसे लुटा रहा है। मेरे पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? याद करो शीला दीक्षित जी के टाइम पे भाई साहब हर साल बिजली के बिल बढ़ा करते थे। मेरे को याद है बिजली के बिलों के खिलाफ 15 दिन का मैंने अनशन करा था। शुगर का मरीज हूं, डॉक्टर ने मेरे को कहा था अगर ये भूखा रहेगा 1 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं बचेगा। ये तो ऊपर वाले का चमत्कार था, 15 दिन भूखे रहा था मैं दिल्ली वालों के लिए, और 15 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ा था ये कसम खाके कि दिल्ली के लोगों को उनका न्याय दिला के रहेंगे। आज 5 साल के बाद मुझे बड़ी खुशी है, दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलने लगी और अब 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। अगले महीने बिल आएंगे, बिल उठा के देख लेना। कई लोगों के फोन आ रहे हैं मेरे पास, कह रहे हैं ये केजरीवाल जी जरा बताओ ये बिजली के यूनिट फ्री होएंगे या फिक्स चार्ज भी फ्री होएंगे। कोई पूछ रहा है जी सरचार्ज भी फ्री होएगा, कोई पूछ रहा है जी इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भी फ्री होएगा। भाई साहब सारा का सारा फ्री होएगा 200 यूनिट तक। 200 यूनिट का बिजली का बिल जीरो आएगा, जीरो, देख लेना सारे जने। और ये जितने लोग विरोध कर रहे हैं, ये सारे पार्टी वाले मेरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनकी कोई चिंता नहीं है, जनता अपने साथ है, अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मेरा एक ही मेरे को सांत्वना है कि 5 साल पहले जितना भरोसा और जितना प्यार करके आप लोगों ने हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आज 5 साल के बाद मेरे दिल्ली के लोग हमारे काम से इतने खुश हैं। जो भरोसा आपने जताया था आज वो भरोसा कम नहीं होने दिया, आज वो भरोसा और बढ़ा है। दोस्तों मेरे को याद है मैं 2 महीने पहले आया था आपकी गलियों में, इन सारी गलियों में घूमा था मैं, धूप के अंदर जून के महीने में धूप के अंदर 3 घंटे तक मैं आपकी गली गली में घूमा था। आप सब लोगों ने मेरे को बताया, 2 काम दिए थे आपने मेरे को। एक तो आपने कहा जी टैंकरों से बहुत परेशान हो रहे हैं, कहा था नहीं कहा था? बोले जी बहुत परेशान हो रहे हैं इन टैंकर वालों से, और आप सोनिया विहार का गंगा जल पिलाओ हमको। मैं आपको कह के गया था कि 2 महीने के अंदर पाइपलाइन जल्दी चालू हो जाएगी। दूसरा आप लोगों ने कहा था जी सारी सड़कें गलियां टूटी पड़ी हैं, मैंने आपको कहा था 2 महीने के अंदर आपकी गलियां बननी चालू हो जाएंगी। आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं, जो कह के गया था 2 महीने पहले। आपकी यहां पे 13 कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन डलनी चालू हो गई, और पानी भी ऐसा वैसा नहीं, गंगा जल आएगा आपके घर में गंगा जल सीधा। पानी की पाइपलाइन डलनी चालू हो गई और साथ साथ सड़कें भी बननी चालू हो रही हैं, साथ साथ सड़कें सड़कें और नालियां गलियां और नालियां दोनों बनती जाएंगी। वैसे तो कागजों में लिखा हुआ है कि ये काम 12 महीने में पूरा होएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको 5-6 महीने में ही पूरा करके आपके घर ज्यादा जल्दी से जल्दी आपका पानी चालू करा दें। दुख होता है, आप में से बहुत सारे लोग 30 साल पहले देवली में आके बसे थे, 30 साल पहले, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? कई कई लोग तो उससे भी ज्यादा पुराने बसे हुए हैं,
आप में से कई सारे लोग राजस्थान से आए हुए हैं, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, अपना अपना गांव छोड़ के आए थे, दिल्ली में काम धंधा ढूंढने के लिए आए थे, अपने शहर में अपने गांव में काम मिल नहीं रहा था, दिल्ली में आए, काम करना चालू करा, दिल्ली में किराए बहुत ज्यादा थे तो लोगों ने कच्ची कॉलोनियों के अंदर अपने घर बसा लिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, लोगों ने अपने कच्ची कॉलोनियों में किराए पे ले लिए, घर बसा लिए। आज 30 साल हो गए, 30 साल में बीजेपी की भी सरकार आई, 1993 से 1998 के बीच में बीजेपी की सरकार थी, हमारे से पहले 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 4 साल के अंदर केजरीवाल आपके घर में पानी पहुंचा सकता है तो 30 साल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस वालों ने आपके घर में पानी क्यों नहीं पहुंचाया? गलत तो नहीं कह रहा जी? अगर 4 साल के अंदर मैं आपके घर में पानी पहुंचा सकता हूं, 4 साल के अंदर अगर मैं आपकी गलियां नालियां बनवा सकता हूं, ये बीजेपी कांग्रेस वाले 30 साल में नहीं कर सकते थे भाई साहब? कर तो सकते थे, नीयत खराब थी, नीयत खराब थी इनकी। हर बार चुनाव के पहले आया करते थे आपके पास, हर चुनाव के पहले ये सारी पार्टी आती थी और धोखा देके जाती थी कच्ची कॉलोनी वालों को। हर बार चुनाव के पहले आते थे और कहते थे जी वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, एक बार जीत गए तो कॉलोनी पक्की कर देंगे, एक बार जीत गए तो गली नाली बनवा देंगे, एक बार जीत गए तो पानी दे देंगे, सीवर दे देंगे। 30 साल तक इन्होंने आपसे वोट मांगे लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया भाई साहब, किसी ने कुछ नहीं दिया। क्यों? इनकी नीयत खराब थी, इन्होंने कभी आपको अपना नहीं माना, इन्होंने कभी आपको दिल्ली वाला नहीं माना, इन्होंने हमेशा कच्ची कॉलोनी वालों को बाहर का माना। इन्होंने कहा कच्ची कॉलोनी वालों को सुविधा मत दो, ये सारे बाहर के लोग हैं, इनको कोई सुविधा मत दो। दोस्तों चुनाव के पहले 5 साल पहले मैं जब चुनाव में गली गली में जाया करता था, कच्ची कॉलोनियों में घूमा करता था, दोस्तों दिल दहल जाता था। सारी सड़कें टूटी हुई, सारी गलियां टूटी हुई, बारिश के दिनों में इतना कीचड़, घर से बाहर पैर नहीं रख सकते। गलत तो नहीं कह रहा जी? घर से बाहर पैर नहीं रख सकते, इतना बुरा हाल था। एक बहन जी मिली, बोली भाई साहब हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, कोई हमारे कच्ची कॉलोनी में रिश्ते करने को तैयार नहीं है। मेरे को बड़ी खुशी है, अब आपके सबके अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। उस टाइम मैंने 5 साल पहले जब मैं गली गली में घूम रहा था, मैंने कसम खाई थी भाई साहब कि दिल्ली के कच्ची कॉलोनी के लोगों को उनका हक दिला के रहेंगे, दिल्ली के कच्ची कॉलोनी के लोगों को सम्मान दिला के रहेंगे। आज तक इन पार्टी वालों ने, दूसरी पार्टी वालों ने जो आपके साथ बेइज्जती करी है, आपका अपमान किया पिछले 30 साल तक, अब वो पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब दिल्ली के लोगों को गलियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पाइपलाइन डल रही है, सीवर लाइन डल रही है, और अब बहुत जल्दी रजिस्ट्री भी खुलने वाली है आपकी सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर। रात दिन मेहनत कर रहा हूं मैं, आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मेरी औकात क्या है? मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं। 5 साल पहले आप लोगों ने इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया, इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया, केजरीवाल की कोई औकात नहीं है, मामूली सा आदमी हूं मैं। आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान है, जब से जिम्मेदारी संभाली है
भाई साहब रात दिन 24 घंटे आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, और इसी वजह से आज मेरे को कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, सीवर की पाइपलाइन बिछ रही है, सड़कें बन रही है, गलियां बन रही है, नालियां बन रही है, और अब जब रजिस्ट्री में हो जाएगी पक्की, उसके बाद आपकी कॉलोनी कच्ची कॉलोनी नहीं रहेगी, पक्की कॉलोनी बन जाएगी भाई साहब। आज तक आप लोगों को जिन लोगों ने बाहरी कहा था, अब आप में से कोई बाहरी नहीं, अब सारे दिल्ली वाले हो जाओगे, सबका बराबर का अधिकार हो जाएगा। मेरा एक ही मेरे को सांत्वना है कि 5 साल पहले जितना भरोसा और जितना प्यार करके आप लोगों ने हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आज 5 साल के बाद मेरे दिल्ली के लोग हमारे काम से इतने खुश हैं। जो भरोसा आपने जताया था, आज वो भरोसा कम नहीं होने दिया, आज वो भरोसा और बढ़ा है दोस्तों। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और अपनी मोहब्बत बनाए रखिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज आप इतनी भारी संख्या में आए, हमारा मनोबल बढ़ाया, मेरा 2 किलो खून बढ़ गया।